हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बाय क्रिएशन चैनल से बड़े मियां छोटे मियां वीडियो का पार्ट टू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग ने उसका रिएक्शन नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुखिया जी, और कितना समय लगेगा? हमरा देखने के लिए मन बहुत विचलित हो रहा है। अरे सब्र कर, आ ही रहा होगा। वाह, ये करोड़पति हैं, डंपर लेकर आए हैं। धरो, पकड़ो, पहुंचा दो। लीजिए मुखिया जी, पैसा दीजिए। पहले मशीन दिखा दीजिए ना, तब पैसा देंगे। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं। उतना टाइम हम नहीं है दिखाने के लिए, जल्दी करो, आगे भी मशीन डिलीवरी करना है। हाँ मुखिया जी, पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आप देते रहिएगा। हाँ अम्बानी, हाँ हाँ। अरे गाड़ी पे मशीन रखे हुए हैं तोहर। हाँ, तोहरे का ना रहे हैं। ओके ओके, ठीक ठीक, चलिए बस हो गया, चलो। और सुनिए ना, आलू या सोना कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है, ऊपर से आलू डालिएगा, नीचे से सोना निकालिएगा। अच्छा ठीक ठीक। मुखिया जी जल्दी से दिखाइए। ठीक है, खोल रहे हैं। मुखिया जी, हमें तो मशीन है ये नहीं है, आप कुछ बना के भाग गया। कथी हुआ हो? हम अपन मौगी के सोना चांदी बेच के आपको पैसा दिए थे। हाँ मुखिया जी, हम भी अपना मतलब कि घोड़ा बेच के आपको पैसा दिए थे, बहुत मेहनत का पैसा था। हाँ मुखिया जी, हमरो बहुत मेहनत से कमाल पैसा था। हमरा लगता है ना, ठगी में मुखिया जी भी शामिल है। वो दोनों के साथ मिल के मुखिया जी गरीब का पैसा ठगे है ना, आपको कोड़ी फूटेगा कोड़ी। हमर पहले खुद भाग गया है, हमरा की पता कि वो सब ठग है, पाई ठग लेगा। हम तो ऐसे के बारे में भलाई सोच रहे थे कि आलू से सोना बनेगा, तोरो भलाई होगा, गाँव का भलाई होगा। कोई ऐसी मशीन बननी है तुम्हारी अकल है कि भैंस है? समझ लिया साला सब। मुखिया जी आप गड़ू है, आपको इतना बुद्धि नहीं है कि आलू से सोना कैसे बनेगा? जब तुमको पता था तो पहले काहे नहीं बोला रे? उनका लोभ आ गया था। हाँ तो हमरो वही आ गया था, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ जानू, हम सिर्फ तोरे हैं, तोरे अलावा हम केकरो नहीं है, केकरो पर हम आँख उठा कर नहीं देखते हैं, हम सिर्फ तोरे जानू। हाँ, आज दिन में काम करते रहते हैं तो कैसे करेंगे? अरे हम कॉले का बात कर रहे हैं, तुम हमार बात के हर समय गलत ले लेती हो। अच्छा ठीक है ठीक है, गाल में सटाओ मोबाइल। हाँ अब ठीक, अब खुश। जिधर देखो उधर एक्स के बीमार बैठे हैं, कुछ का तो लगे, कुछ के लगने वाले हैं। ठीक है जानू, हम तोरा रात में करते हैं। कॉल, कॉले का बात हम भी कर रहे हैं। बहुत सही। और एक राम माइके, इस ससुरा से कहां से टपक गया रे? थाला बनाते पैसा ले लिया और हिला नहीं दिया, डूबता पैसा वापस चल, न तो मार देंगे गोली तो केहू न बोली। देख भाईवा, अब हमारा पास पैसा वैसा रहा नहीं, जे भी पैसा था वो तो उड़ा दिए। ऐसे भी वो पैसा तोहर कौन अपन कमाई के रहा होगा, तू भी कहीं से मारिए उड़िए के लाया होगा। और तू चोर और हम चोर, चोर चोर होता है मौसेरा भाई, तो हम लोग हुए भाई भाई। भाई भाई में क्या लड़ना झगड़ना, गला मिलो। ठीक है चलते हैं। ए बी सी डी ई ए, डूबता भाव बचा वापस चल। क्या बोले? डूबता भाव बचा वापस चल। क्या बोले? तुमका साफ साफ बोलिए ना। भोसड़ी तो इतना मन बोलेंगे ना, कौन तुम्हें थाप कर देंगे हम। ए सुन, आज हमारा झगड़ा लड़ाई करने का मूड ना है। कोई बात नहीं है, हम मूड बना देंगे। ओहो वाला मूड बना देगा? हर साला हम गुंडा है नहीं, ले थला दुंदू, तू तो हम पैसा दे ले थला तल। ठीक है तो झगड़े करेंगे, कहे कि पैसा वैसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत धूप है, चलो ठंडा में करते हैं। हाँ बॉस, बहुत धूप है, चलिए ना छावे में झगड़ा करते हैं। ठीक है चलो। आ सुनिए ना बॉस, तनी एनर्जी ड्रिंक मंगा देते तो पीपी के झगड़ा करेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। थाला में ला, थाला लाने दिल पे था, लाने दिल पे था, बाप तो ये बाल नहीं बोलता, चलो थाला लाने दिल पे था, लाने दिल पे था, तेरे बाल नहीं लाने दिल पे था, तेरे जैसे तो नहीं लाने दिल, लाने दिल पे था, थाला ले पीट ना जाना, या फिर से पता चला जिसको हाथ पैर तोड़वाना है वो इसके पास आओ, और जिसको मरवाना है वो मेरे पास आओ।
आयल तथी वाले चक्कर आ रहा कमजोरी फील हो रहा लगता अब नहीं बचेंगे बॉस ले तू तो बंदूक धर के जा रहा है वाले अकल के दुश्मन एकरा हम लेंगे मतलब कि इससे हम फाइट करेंगे अरे बाप रे माय के बाप रे हाथ टूट गया अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बहुत सही न तलवार के वार से न गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ माल के डांट से जे माई के दूध पिले है वो हमसे लड़ो तो तुला बता दिया ले बॉस वो बोला है जो माई के दूध पिले है ना वो आके लड़ो तो हम माई के दूध ना पीले हैं काहे कि हमारा माई पैदा करते ही मर गई तो हम डब्बा वाला दूध पीले हैं ना अरे पागल दर्द मान रहा है दर्द मान लो तो या मुंह देखो दोनों का विश्वसनीय फाइट धन्यवाद सर धन्यवाद ओले बाप रे पुलिस ले भाग ले ले बात 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 ठीक है दरोगा जी तो हम भी चलते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है उधर कहाँ जा रहा है अरे जेल इधर है हम जेल कथिला जाए कथिला जेल जाएगा अरे गरीब आदमी का 2 करोड़ रुपया ठग लिया और पूछ रहा है कथिला जेल जाएंगे दरोगा जी इसको गिरफ्तार कीजिए कड़ी सजा दीजिए ससुर को जी मुखिया जी आप टेंशन नहीं लीजिए ए हवलदार पकड़ साले को मार गांडू ए मटका इधर आ जी दरोगा जी अरे पैसा कहाँ है सुने है पैसा का लेन देन तू ही करता है ना ना दरोगा जी हम नहीं जानते पैसा कहाँ है अच्छा। दरोगा जी सुनिए ना आ? कुछ ले दे के मैनेज कर दीजिए ना ए साला मुखिया जी का तो हाँ घुसखोर समझता है कि साले मार के फाड़ देंगे देख रहा है बंदूक छो का छो गोली उतार देंगे सीना में साला बना पैसा कहाँ है दरोगा जी साले कहीं के चोर बनोल माधर गांडू पूरा के पूरा मुखिया जी हवा अहाँ के पैसा ए हवलदार एकरो जीप में बैठाओ साले को लीजिए मुखिया जी अपन धन ₹25 लाख गांव वाला के है 1,75,00,000 हमर है ई पैसा हमरा ना मिलता ना तो हम चिंता से हार्ट अटैक हो जाता एक बात पूछे मुखिया जी हाँ पूछिए इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से सब घूस वाला हमर परदादा अंग्रेज के जमाना के रईस आदमी थे मुखिया है ये चलते हैं ठीक ठीक सब समझ रहे हैं मुखिया जी मुखिया में बहुत फायदा है अगला साल हम भी सोचे ओके यार यहाँ पे वीडियो खत्म भैया लास्ट में पुलिस वाला भी डोल गया है ना मुखियाई में बड़ा फायदा है अरे यार कोनो तो जनता के बारे में सोच लो कोई मुखिया हो पुलिस हो कोई हो जनता के बारे में भी सोच लो वो बेचारे खड्डों वाली सड़क पे ठीक है टूटी हुई नालियों से टूटी हुए घर में छप्पर में टाट में रह रहे हैं तो उनके बारे में भी सोच लो हैं कि बस अपना ही घुसखोरी में लगे रहोगे ये बताओ और बड़ा अच्छा फाइट किया पहली बात तो यार फाइट सीन जो था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था बहुत ज़बरदस्त था है ना अच्छा ये क्यों होता है हर बार कि हीरो किसी को पीट रहा होता है किसी गुंडे को और उसके पंटर खड़े देख रहे होंगे हाँ बॉस पिट जाएंगे तब हम जाएंगे आगे है ना काहे भैया तुम इतने सारे थे वो दो थे मतलब बिल्कुल भी तो तुम्हारे में क्या गुंडा बनेगा रे तू है ना
और बेचारे मुखिया के साथ साथ पूरी जनता को, उनको भी लोभ ही आ गया था, है ना, कि हाँ आलू से सोना बनाएंगे, इधर राहुल गांधी की स्कीम निकल चल रही हो गई यार। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और मैसेज क्या मिला इस वीडियो से कि किसी के साथ भी ठगी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी यही होगा। सो बाय बाय।